जय श्री राम। सास बहू में रहती है खटपट, नहीं रहता घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य। न जाने न चाहते हुए भी सास और बहू के बीच कुछ ना कुछ खटपट बनी रहती है। जबकि अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए, अगर विचार किया जाए तो सास और बहू की खटपट अगर घर में ना हो तो आधे से ज्यादा घरों के ग्रह कलेश स्वयं ही खत्म हो जाएं। क्यों रहती है, क्या कारण होते हैं और क्या है उसका निवारण, आज बहुत विस्तृत चर्चा इस विषय पर होगी। और बहुत डिमांड के बाद ये वीडियोस आज हम लेकर के आए हैं, बहुत लोगों की डिमांड थी। बहुत छोटी सी चीज बताने जा रहे हैं, एक ऐसा अद्भुत उपाय, एक ऐसा कमाल का उपाय जो आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा कमाल करेगी कि आपके सास बहू के बीच का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ओवर हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि जी हम बहुत कोशिश करते हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं, कई केसेस में सास भी हमारे पास आती हैं, कई केसेस में बहुएं भी हमारे पास आती हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो बहुत कोशिश करते हैं, हम तो बोलते नहीं। कई बार सास की तरफ से दिक्कत होती है, कई बार बहू की तरफ से, कई बार दोनों की तरफ से भी होती है। वास्तु शास्त्र तो ये कहता है कि भाई घर की हर वो चीज जो नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है वो करामती कहलाती है, और ऐसी कुछ करामती चीजों की आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद के किरण में, जहां हमेशा एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद के किरण हम आपके लिए लेकर के आते हैं, आज फिर लेकर के आ गए। एक ऐसी चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो वो काम कर सकती है जो बड़े से बड़ा आदमी नहीं कर सकता। और नेगेटिविटी दूर करने के लिए हजारों चीजें सुझाई गई हैं, हजारों चीजें बताई गई हैं, इन्हीं में से एक है गुलाबी फिटकरी, पिंक एलम। जी हां, सफेद फिटकरी से अलग गुलाबी फिटकरी भी वास्तु के क्षेत्र में चमत्कारी प्रभाव रखती है, चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि गुलाबी फिटकरी घर में बढ़ रही नेगेटिव एनर्जी को चूस लेती है, सोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और घर में धन संपत्ति को आमंत्रण देती है, अट्रैक्ट करती है धन संपत्ति को। यदि घर में अक्सर तनाव रहता है, सास और बहू के बीच तनाव भरा रिश्ता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो प्यार कहीं ना कहीं दोनों के बीच बढ़ नहीं पा रहा है, या तनाव बढ़ता जा रहा है, वो प्यार कम होता जा रहा है जो होना चाहिए, तो घर के सब लोगों पर उसका असर पड़ता है। दूसरी ओर बाप बेटे के बीच भी अहम की लड़ाई के चलते कई बार घरों में कलह मची रहती है। बहुत केसेस आजकल बढ़ रहे हैं कि बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, जिसकी वजह से घर में कलह बढ़ती जा रही है। ऐसे रिश्तों को मधुर रखने के लिए, ऐसे रिश्तों को सुमधुर करने के लिए, ऐसे बिगड़े रिश्तों को ठीक करने के लिए गुलाबी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि लिविंग रूम जहां घर के लोग अक्सर साथ बैठते हों, या जहां घर के लोग ज्यादा समय एक साथ बिताते हों, वहां एक कोने में किसी बर्तन में छिपाकर गुलाबी फिटकरी जो पिंक एलम होती है वो आप रख दें, किसी भी बर्तन में रख दें, थोड़ा ज्यादा सी रखें, बहुत कम ना रखें, कम से कम आधा से एक किलो हो, लगभग आधा पौना किलो, एक किलो के आसपास हो, चाहे वो एक सिंगल पीस हो, चाहे वो चार छह पीस हो, बहुत ज्यादा चूरा भी नहीं रखना है, थोड़ा बड़े पीस रखें तो बेहतर होगा, और वो आप किसी भी एक कॉर्नर में छिपा करके रखते हैं बिना किसी को बताए। इससे घर के हर सदस्य का स्वभाव अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सास बहू या बाप बेटे के बीच होने वाली लड़ाई अपने आप रुक जाएगी। हर 3 महीने बाद इस फिटकरी को उठाएं, घर के बाहर किसी भी गंदे नाले में डाल दें और दूसरी फिटकरी फिर से रख दें। अगर आप अक्सर तनाव में रहते हैं और घर में घुसते ही आपको चिंता शुरू हो जाती है, तो मेन गेट के पीछे गुलाबी फिटकरी रखने से आपकी ये समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर रात में नींद नहीं आती, पति पत्नी के बीच तनाव के चलते नींद पर असर पड़ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ रहा है, आपकी बेडरूम लाइफ पर असर पड़ रहा है, तो बेडरूम में गुलाबी फिटकरी रख दीजिए, तनाव और नेगेटिविटी को सोक कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, खत्म कर देगी, जिससे रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे, घर परिवार फिर से अच्छा
परिवार बन जाएगा, फिर से सकारात्मक ऊर्जा से आपका पूरा घर भर जाएगा। जिन लोगों को बार बार बुरी नजर लगती है उनके ऊपर भी रोज गुलाबी फिटकरी का फेर करना चाहिए, यानी थोड़ी सी गुलाबी फिटकरी हाथ में लेकर जिस इंसान को नजर लगी हुई है उस इंसान के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें और इसे बाहर किसी भी गंदे नाले में फेंक दें, इस या फिर आग में भी जला सकते हैं, इससे भी बुरी नजर उतर जाएगी। अगर घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो उसके रूम में गुलाबी फिटकरी रख दें और हर 2 महीने में वो फिटकरी किसी गंदे नाले में फेंक आए, दोबारा नई लेकर फिर से रख दें, बहुत जल्द सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको डरावने सपने आते हैं, बहुत लोग आते हैं सर सपने बहुत आते हैं वो भी डरावने, तो फिटकरी का ये उपाय आपको जरूर राहत दे सकता है। अपने बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे या जिधर आपका सर होता है वहां बेड के गद्दे के नीचे थोड़ा सा कर दें, थोड़ी सी फिटकरी, गुलाबी फिटकरी काले कपड़े में बांध कर रख दें, इससे बुरे स्वप्न आने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और नींद में जो आप डर करके उठते हैं, नींद में जो एकदम से डर जाते हैं, वो समस्या भी आपकी हमेशा के लिए अंत हो जाएगी। अगर आपके बच्चे नींद में डरते हैं तो वो समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रख दें। बिजनेस में लाभ के लिए कार्यस्थल या दुकान के दरवाजे पर काले कपड़े में फिटकरी बांधकर लटका दें। ऐसा करने से बरकत तो आती है, साथ ही धन की कमी नहीं रहती, धन के जो रुके हुए सोर्सेज हैं वो भी दोबारा से खुलने शुरू हो जाते हैं, रुके हुए स्रोत भी खुलने शुरू हो जाते हैं, नए सोर्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं धन आगमन के या धन कमाने के। यदि आपके निवास स्थान या कार्यस्थान, जहां आपका ऑफिस है या घर है, वहां पर आपको लगता है कि वास्तु दोष है और उसके कारण परिवार और काम में समस्याएं बनी रहती हैं, प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, परेशानियां बनी रहती हैं, तो इसके लिए आप एक कटोरी में करीब 50 ग्राम फिटकरी ले लें, पिंक गुलाबी फिटकरी होनी चाहिए, और उसे सबकी नजरों से बचाकर एक कोने में चुपचाप ऐसी जगह रख दें जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। कुछ समय बाद, लगभग हर 2 से 3 महीने बाद उसे बदलते रहें, बाहर किसी भी गंदे नाले में डाल दें और दूसरी फिर से रख दें। ऐसा करने से आपके कार्यस्थल या आपके घर से वास्तु दोष और नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इन समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सोचिए, इतनी छोटी सी 5 रुपए की 10 रुपए की ये चीज इतना बड़ा कमाल कर सकती है, करिए, बहुत ज्यादा लाभ आप लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।